राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली मंच एनजीसीए की बैठक पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ के महामंत्री विनोद कुमार राय की अध्यक्षता में आयकर संघ भवन में सकुशल संपन्न हुआ, जिसके संबंध में महामंत्री विनोद कुमार राय ने बताया कि आयकर विभाग के एनजीसीए से जुड़ जाने से गोरखपुर जनपद में राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली मंच एनजीसीए को मजबूती मिली है और आज इसका विस्तार भी हुआ है। विस्तार में शैलेंद्र गुप्ता, रवि गुप्ता, अश्वनी कुमार, सर इंदु प्रजापति एनजीसीए के सह संयोजक बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन व्यवस्था यदि बहाल कराना है तो हमें संगठनीय भेदभाव भुलाकर सड़क पर आकर संघर्ष करें और एक मंच पर आएं, तभी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल हो पाएगी। अभी तो एनपीएस के रिटायर कर्मचारी सब्जी का ठेला और पंचर की दुकान लगा रहे हैं, अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई तो वो दिन दूर नहीं कि एनपीएस का रिटायर कर्मचारी सड़कों पर भीख मांगते नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि हमें पुरानी पेंशन बहाली तक रुकना नहीं है, थकना नहीं है और हमें वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले इसे बहाल करके ही मानेंगे। उन्होंने कहा कि 27 जून को लखनऊ में होने वाली हुंकार महारैली को सफल बनाने के लिए सभी कर्मचारी प्राण से जुड़ जाना है, तभी हम पुरानी पेंशन बहाल करा सकेंगे। उन्होंने कहा कि हम आप सभी साथियों को ये विश्वास दिलाते हैं कि आज से ही हमारा संगठन पुरानी पेंशन बहाली मंच के निर्देश पर सभी आंदोलन और रैली को सफल बनाने के लिए अपनी जान लगा देंगे और पुरानी पेंशन बहाल कराकर ही दम लेंगे। इस अवसर पर अशोक पांडे, भारतेंदु यादव, राजेश सिंह, शब्बीर अली, इजहार अली सहित अन्य लोग शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ के महामंत्री विनोद कुमार राय ने कहा, आज की बैठक लंच आवर में आयकर विभाग में शैलेंद्र जी के अध्यक्षता में, शैलेश गुप्ता जी के अध्यक्षता में, इनके संचालन में आज रुपेश जी के यहाँ जिले के जो है यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है। मैं विनोद राय, पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ महामंत्री, वर्किंग कमेटी मेंबर NFIR और NGCA का यहाँ पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर में यहाँ पर संयोजक बनाया गया है। यहाँ और मैं इस न्यू पेंशन को हटाने के लिए, पुरानी पेंशन बहाली के लिए आज मीटिंग यहाँ रखी गई है। आगे की रणनीति तय करने के लिए और रूपरेखा बनाने के लिए आयकर विभाग के लोगों को, जो NPS के लोग हैं, जितने लोग हैं, उनको आह्वान करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए कि अगले कार्यक्रम में सब लोग उपस्थित हों, इसके लिए आज मीटिंग रखी गई है। क्या रणनीति बनाई गई है? रणनीति हम लोगों ने अभी बाइक जुलूस निकाला गया, मशाल जुलूस निकाला गया, डीएम कार्यालय, बस डीएम कार्यालय के बीच में प्रदर्शन किया गया। संडे के दिन सिटी मजिस्ट्रेट को आकर करके और अपने डीएम कार्यालय पर हम लोगों का पत्रक लेना पड़ा। भाई राजेंद्र शर्मा जी, वो जो कलेक्ट्रेट के अध्यक्ष, जो कलेक्ट्रेट के हैं, वो उपस्थित थे और शाम को 6:30 पर कर्मचारियों की समस्याओं का सिटी मजिस्ट्रेट ने ज्ञापन लिया। मसाज जलूस के साथ हम लोग गए हुए थे और आगे भी रणनीति हम लोग की है। पूरे देश में पूर्वोत्तर गोरखपुर में सबसे बड़ा मीटिंग हम लोग कराएंगे और जो फरवरी से सितंबर तक का कार्यक्रम है, हम लोग का अनवरत चलता रहेगा और किसी कीमत पर हम लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमारी पेंशन बहाली नहीं करेंगे। हम लोगों का लड़ाई हम लोग को जारी रहेगा। जब तक वो हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है सरकार, हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे और चैन से लोगों को भी बैठने नहीं देंगे। ये हमारा वादा है।